हाँ जी बेटा, लिसन क्वेश्चन नंबर 10th बेटा, व्हाट दे हैव रिटन, यहां पर उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब टू रिब्स, कोई दो मान लो, सपोज वन टू, क्योंकि इक्वल ही है तो ये सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तो अगर मैं ये देखूं तो ये क्या बन गया बेटा, सेक्टर। यानी मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब फिर वही टोटल 8 रिब्स अगर मेरे पास है ना, तो कितने पार्ट्स में, पहले तो रिब्स चेक करें मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। अब आपकी मर्जी है, आप पूरे सर्कल के एरिया को या तो 8 से डिवाइड कर लो। अगर एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है तो क्या करोगे, पहले थीटा निकालो, 360 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से करना है, पहले कर लो या बाद में, इट इज अप टू यू। ओके जी, मैं सीधा ही रिक्वायर्ड एरिया, अब मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं। तो बेटा अब आर की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। यू कैन पुट हियर, पाई की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, यू कैन यूज एनी वन, आर स्क्वायर 45 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 8, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। बात समझ आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं, चलें आगे। हाँ जी, कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके जो है लाइफ का। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए उसने कहा अ कार हैज टू वाइप्स, जो है वाइपर्स होते हैं आगे मिरर के आगे, जो बारिश आने पे या नॉर्मली हम अपने कार के फ्रंट ग्लास को क्लीन करने के लिए ये ऐसे वाइपर्स बने होते हैं, एम आई राइट, इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारा वो क्लीन हो जाए। अब उन्होंने कहा विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते। यानी मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए अगर मेरे पास एक ये वाइपर है और एक ये इधर चल रहा है तो ये इधर जाएगा, ये ऐसे, ये कभी ऐसे क्रॉस नहीं बनाती। बात समझ आई, दे विल नेवर मेक अ क्रॉस, तो ओवरलैप नहीं करते इसका मतलब, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो वाइपर्स है ना, इनका जो ब्लेड है जो साफ करता है ग्लास को, उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ओके, अब उसने कहा और ये हमेशा इनके बीच में 115 डिग्री एंगल बनता है। अब उसने कहा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ अ ब्लेड। अब मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, ये मान लीजिए मेरे ब्लेड्स है ना, अब बिल्कुल हैंड की तरह रहते हैं, ये इससे ज्यादा एंगल नहीं बना रहा, यानी ये 115 है। अब अगर ये इधर जाएगा ना तो दूसरा अपने आप इधर जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा, तो ये इधर जाएगा तो दूसरा हैंड मेरा अपने आप क्या है, क्या हो रहा है, उस तरफ जा रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहे, वो एरिया कैसा है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों, क्योंकि इन वाइप्स ने कभी नीचे नहीं आ सकते, यहां पर जो है आपकी बॉडी होती है कार की, होती है कि नहीं होती, यहां पर ऐसे कवरेज होती है, ऐसे वो या इधर घूमते हैं या इधर घूमते हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में एरिया जब कवर होता है, दोनों स्वाइप करते हैं एट ए टाइम, दोनों कितना एरिया स्वाइप करते हैं, जितना एरिया ऑफ सेक्टर होता है, बना क्या नहीं बना सेक्टर का, तो दैट मीन सिंपल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब ये नहीं करना कि मैम टू वाइपर्स है तो टू से मल्टीप्लाई कर दे, वो गलत हो जाता है। रीजन, अगर
ये फिक्स नहीं हो इनके बीच में एंगल, तो ये एरिया सेक्टर बना ही ना पाए कोई। इधर जब खराब हो जाते हैं वाइपर्स, देखे है ना वो एक इधर एक इधर ऐसे क्रॉस, इसीलिए उसने कहा ओवरलैप नहीं करते। तो मतलब वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 ही रहेगा। यस दक्ष, एंगल फिक्स कर दिया ना बेटा मैंने, इससे कम या ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। व्हेन आई फिक्स द एंगल, अगर मैं इस वाले को मूव करूंगी, मेरे हाथ ऐसे बांध दिए जाए, बीच में कह दिया जाए एंगल 60 का बनाना है, मैं इसको मूव करूंगी तो ये मेरा दूसरा हाथ देखो अपने आप मूव कर रहा है। सेम इज द केस हियर बेटा, एडी ऑफ क्वाड्रेंट तब होता अगर यहां 90 होता। बेटा जब एक ब्लेड मूव करता है ना तो ये साथ ही मूव कर रहा है, मैं ये आपको यही चीज बता रही हूँ। आप उसको रियल लाइफ से कोरिलेट मत करो, उसमें तो ऐसा होता है पहले सेंटर में मिलते हैं फिर दोनों ऐसे हो जाते हैं, फिर सेंटर में मिलते हैं दोनों ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक उन्होंने, ये मेरी एक ब्लेड है, ये मेरा दूसरा ब्लेड है, मैंने एंगल फिक्स कर दिया। अगर मैं इसको खींचूंगी बेटा, इन दोनों के बीच में एरिया कितना रहा, वो तो बेटा एंगल जितना है उतना ही स्वाइप करेगा ना। आप इसको मूव करोगे तो आप इसको एट ए टाइम आपने रखा, ब्लेड चलाया, एरिया कितना स्वाइप हुआ, जितना इन दोनों, क्योंकि इसने कहा दोनों के बीच में कितना, वो तो चाहे आप स्वाइप चलाओ या ना चलाओ, जब आपके पास स्टिल ऐसे पड़ा है, ये मेरे दोनों आर्म्स ऐसे पड़े हैं सपोज ऐसे, ठीक है। अब मैंने इनको एक एंगल में फिक्स कर दिया, तो बेटा एरिया कितना स्वाइप होगा, जितना इन दोनों के बीच में है। ऐसे तो तुम 20 बार गिलाओ तो वो 20 मल्टीप्लाई कर दो, एट ए टाइम तो दोनों के बीच में उतना ही एरिया ना जितना एरिया ऑफ सेक्टर का है, ठीक है क्या नहीं। हमने कहा कि दोनों ब्लेड्स के बीच में कितना एरिया होता है अगर एंगल हम इतना रखते, अदरवाइज वो कहता तो वो एंगल कभी फिक्स ही ना करे बेटा। यहाँ फिक्सेशन कर दिए, एक पर्टिकुलर केस ले ली, समझ आई बात। तो मेरे पास हो गए नहीं बेटा, आप याद कीजिए, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये एक फिक्स पॉइंट है जहां से जोड़ा हुआ है, जब मैं इसको मूव करती हूं, ये लीजिए ये कर्व ही बनेगी ऐसे, क्योंकि यहां से फिक्स कर दिया ना। आप इसको करते जाओगे तो देखो जैसे क्लॉक का नीडल होता है, क्लॉक में सर्कुलर पार्ट ही अंदर होता है, लेते हैं कि नहीं, सेम ओके, समझ आ गई बात नहीं। ओवरलैप डोंट टेक द पर्टिकुलर की ऐसा ही है वो, बिल्कुल मैंने एक एग्जांपल को कोरिलेट किया उसके साथ, ठीक है। मैंने आपको सिचुएशन बता दी अपने हैंड और स्टिक के साथ जोड़ के कि हमारे क्वेश्चन में क्या है। ऐसे ही ट्रक्स में अलग तरह के होते हैं, किसी में एक ही होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका मॉडल कैसा है, क्या चीज है, ठीक है जी बेटा। कोइंसाइड का मतलब है, ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ऐसे कर गया, बिल्कुल सही है। आप उसको बंद करते हो, अगर किसी कार में मेरे पास दूसरी कार है या बैक में है तो वो मेरे रॉड के साथ मर्ज ऐसे ओवरलैप ये कर गया। ओवरलैप यहां मतलब है क्रॉसिंग ना करें, यहां मतलब आप जो है ओवरलैप के बहुत सारे मीनिंग है, यहां ओवरलैप करके आप ओवरलैप किया तो वो आगे भी जा सकता है ना, वो नहीं कर रहा, समझ आई मेरी बात। चलूं आगे, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ बेटा।
हाँ जी बेटा, टू वॉन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर जो है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। जो सब मरीन्स होती हैं, कार्टून्स में भी बहुत बार आपने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं कि आगे कोई भी खतरा हो तो वो एक लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो हमें पता चल जाता है कि आगे कोई खतरा है। तो वो कह रहा है कि रॉक्स का बताने के लिए वो एक लाइट से ऐसे रिफ्लेक्शन डालते हैं। आपने फिजिक्स में भी छोटे होते पता है कि अगर टॉर्च को ऐसे करें ना तो वो ऐसी लाइट बनती है, एम आई राइट? है ना, सन की रेज आती हैं, उसको भी कभी आप सीधी बनाते हो ऐसे? नेवर, यू ऑलवेज शोज द रेज ऑफ लाइट लाइक दिस। तो वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे वो एंगल जो है एरिया कवर कर रहा है। अब जो एरिया उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 80 डिग्री है। अब जो है उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो डिस्टेंस है, यहाँ पर दे हैव मेंशन कि जो डिस्टेंस है, ऑब्वियस है, जो डिस्टेंस मेरा यहाँ पर यहां से यहां तक डिस्टेंस बना, तो अगर देखा जाए तो ये सर्कल का क्या बन गया, रेडियस, दैट इज गिवन टू मी 16.5 सेंटीमीटर किलोमीटर। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। अब उसने कहा तो कितने एरिया पे शिप्स को हम वॉर्न कर सकते हैं कि आगे रॉक्स हैं, तो वो जितनी जगह पे लाइट आएगी, तो दैट मींस ये हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ एरिया जो आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर आपको पता है 16.5 है, थीटा आपको पता है 80 डिग्री। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू कैलकुलेट। ओके जी, क्लियर। ट्राई टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दैट इज योर होमवर्क।